यकीन जाने बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। इतने महीनों बाद आई हैं आप हमारे घर। जी मैं तो खैर अभी भी ना आती, वो तो उमेर की शादी का बुलावा देना था ना, इसलिए आ गई। असल में मेरी आदत नहीं है ऐसे घरों में जाकर झकने की, टो लेने की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये तो वैसे भी मेरी बेटी का घर है, तो बेटियों के घर आना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ उसी जी बात है, आपकी बेटी का घर है, आप 100 बार आए जाएं, मतलब अपना घर समझे। हाँ बहन, बस अपनी अपनी सोच की बात है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। वो बस असल में शादी के कार्ड नहीं छपाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में शादी हुई है, हम लोग ज्यादा तैयारी वगैरह कर नहीं रहे, बहुत सादगी से शादी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बुलावा दे दूं। आइएगा जरूर, आपने कोई बहाना नहीं चलेगा, शादी में आना जरूर। जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ बस ये भी होता ना कि अंबर भी अगर एक दो दिन मेरे साथ चली चलती, थोड़ी तैयारी कर लेते। हाँ। चाय लाती हूँ मैं। ओह तबीयत कैसी है आपकी? हाँ उमेर कैसा है, खुश है ना? जी बस मेरी तबीयत, घुटनों का दर्द तो अभी भी है, और माशाल्लाह उमेर बहुत खुश है। इतनी सलीका मंद है मेरी बहू कि मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ाती है, पढ़ी लिखी है, और इतनी खूबसूरत है कि बस क्या बताऊं। माशाल्लाह। हाँ सीरत और सूरत दोनों ही लाजवाब है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उमेर उसे बहुत पसंद करता है, मोहब्बत करने लगा है। अल्लाह जो करता है ना अच्छा ही करता है।